लोकसभा चुनाव प्रचार समिति की ये बैठक चल रही थी जो खत्म हो गई। प्रचार की रणनीति के लिए कांग्रेस ने ये बैठक बुलाई थी 24 अकबर रोड पर। कांग्रेस प्रचार समिति की ये बैठक खत्म हो गई। इस बैठक में पीएम सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी मौजूद थे। इनके अलावा बैठक में कांग्रेस के करीब 40 बड़े नेता भी शिरकत कर रहे हैं। अब कुछ देर में इसकी ब्रीफिंग होगी, उसके बाद पता चलेगा कि क्या कुछ इस बैठक में अहम फैसले लिए गए हैं। कांग्रेस प्रचार समिति की यह बैठक चल रही थी जिसमें पार्टी के प्रचार की रणनीति पर विचार विमर्श होना था। इसमें तमाम बड़े नेता जो हैं वो पहुंचे हुए थे। लोकसभा प्रचार के लिए रणनीति बननी थी और उस पर एक रोड मैप तैयार करने की यहाँ पर मिलजुल कर बैठ कर कोशिश की गई होगी। प्रचार के लिए ये रणनीति बनाई जानी है लोकसभा प्रचार के लिए, और इस पर यह चर्चा हो रही थी। कुछ देर पहले कांग्रेस प्रचार समिति की ये बैठक थी और अब ये बैठक खत्म हो चुकी है। रणनीति पर चर्चा भी हुई और इस पर हम आपको आगे अपडेट देंगे कि क्या कुछ निकल कर आया। राजीव शुक्ला यहाँ पर कुछ देर पहले आपने सुना कि बात कर रहे थे बैठक से निकलने के बाद। उन्होंने कहा कि अभद्रता की भाषा का इस्तेमाल वो सियासत में नहीं करना चाहते और लोगों को भी इससे बचना चाहिए। हालांकि इस बीच ये कांग्रेस प्रचार अभियान समिति की बैठक चल रही थी जिसमें तमाम बड़े नेता शिरकत कर रहे हैं। बैठक में कांग्रेस के करीब 40 बड़े नेता यहां पर बैठे थे विचार विमर्श के लिए, और इस बैठक में खासतौर पर पीएम मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी चेयरमैन और राहुल गांधी को चेयरमैन भी इस बैठक में मौजूद थे। इनके अलावा कांग्रेस के तमाम बड़े चेहरे इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं और ये बैठक खत्म हो चुकी है। क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, क्या कुछ रोड मैप बनाए गए हैं, किस दिशा में पार्टी को आगे चलना है, रणनीतियां क्या होंगी, मुद्दे क्या होंगे, इन सब मसलों पर यहां पर गंभीरता से चर्चा की गई होगी जिस पर आगे अमल किया जाएगा और दिशा निर्देश तय किए जाएंगे कि नहीं इसी लाइन पर अब पार्टी को चलना है 2014 के तहत। तो कांग्रेस प्रचार समिति की बैठक चल रही थी जहां पर राहुल गांधी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, आप देख रहे हैं बड़े चेहरे यहां पर पहुंचे थे और इसके बाद ये बैठक खत्म हुई। राजीव शुक्ला बाहर आए और उन्होंने कुछ जानकारियां दी, साथ ही कुछ नसीहतें भी दी। प्रचार के लिए रणनीति बन रही है कि किस तरह से कांग्रेस आगे अपना जनाधार बढ़ाने के लिए और पब्लिक के बीच अपना एक फिगर बनाने के लिए किस तरह से किसको कैसे प्रोजेक्ट किया जाए और कौन सी रणनीतियों के तहत कौन से मुद्दों को लेकर आगे बढ़ाया जाए। राहुल गांधी इस दिशा में लगातार चर्चा में रहे हैं, वो लगातार पंचायतें करते रहे हैं, कभी महिलाओं को लेकर, कभी युवाओं को लेकर, कभी रेल कर्मियों को लेकर। अजय झा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर। अजय बताइए क्या कुछ निकला बैठक में। अजय देखिए अभी कांग्रेस की जो कैंपेन कमेटी बनाई गई है उसकी पहली बैठक अब से कुछ ही मिनट पहले खत्म हुई है और मोटे तौर पे ये हुआ है कि किस तरह से 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी प्रचार अपना करे, किस तरह से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करे। लेकिन जो एक महत्वपूर्ण बात इस बैठक में उठकर सामने आई है वो ये कि जिस तरह से सलमान खुर्शीद जो विदेश मंत्री हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और जिन्होंने बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के खिलाफ जिस भाषा का इस्तेमाल किया था उसको पूरी तरह से पार्टी ने खारिज कर दिया। खुद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने तमाम कांग्रेस के नेताओं को कहा है कि वो बीजेपी की भाषा का इस्तेमाल न करें, इस तरह की भाषा को न करें क्योंकि कांग्रेस की जो विचारधारा है वो उससे मेल नहीं खाती है। तो साफ तौर से लगातार कल पूरे दिन सलमान खुर्शीद अपने बयान को जायज ठहराते रहे और जिस शब्द का इस्तेमाल उन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ किया था खुद कांग्रेस पार्टी ने उससे अपने आप को अलग कर लिया है और खुद राहुल गांधी ने कांग्रेस के तमाम नेताओं को कहा है कि वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने से परहेज करें क्योंकि ये कांग्रेस की भाषा नहीं है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात जो आज कांग्रेस की कैंपेन कमेटी जिसमें 50 लोगों को शामिल किया गया है जो 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी का प्रचार करेंगे, इस प्रचार अभियान समिति की चेयरमैन है सोनिया गांधी और को चेयरमैन राहुल गांधी को बनाया गया। इस बैठक में मोटे तौर पे 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए किस तरह से कांग्रेस के स्टार प्रचारकों का इस्तेमाल किया जाए, किस तरह से सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाए, किस तरह ट्विटर और फेसबुक के जरिए और ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, किस तरह से बूथ लेवल तक, महत्वपूर्ण यह है कि बूथ लेवल तक किस तरह से कांग्रेस के वर्करों को मोबिलाइज किया जाए, इन तमाम चीजों के ऊपर चर्चा हुई है। तकरीबन 1.5 घंटे तक यह बैठक चली है, अब से कुछ ही मिनट पहले यह बैठक खत्म हुई है।